सो फ्रेंड, पार्टी पेपर, हम तो पार्टी पेपर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं शादी या कोई पार्टी में लिखे हुआ है पार्टी पेपर। तो गाइस, क्या है इसके अंदर जिसके वजह से इतने ऊंचाई तक इसके अंदर का जो मटेरियल से वो चला जाते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, वही आज हम आपको दिखाएंगे। इसका अनबॉक्सिंग करके, यानी कि इसका इनसाइड करेंगे, इसके अंदर क्या क्या है वो आपको दिखाएंगे, ये किस तरह से काम करता है वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक टेप लगा हुआ है, यानी कि मैंने लाके यहाँ पर रख दिया था, थोड़ा दिन रहने के बाद यहाँ पर थोड़ा टूट गया था, इसलिए मैं ब्लैक टेप लगा दिया। क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। लेकिन इसके अंदर का कोई भी मटेरियल हमने बाहर नहीं किया है, तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। बहुत ही सस्ती कीमत में आती है और हम यूज करते हैं, तो इसके अंदर क्या है तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, इसके लिए हम यूज करेंगे, ये देख सकते हो, मेडिकल में सर्जरी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं जो चाकू का, वो है सर्जरी चाकू। तो इसको यहाँ पर ऐसे लगाते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। तो फ्रेंड, इसी से हम इसका सर्जरी करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। पता लगाना पड़ेगा ये लोग है कौन और कहां पर है, हमें क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड, इसके लिए पहले हम इसको ऐसे काट देंगे, देख सकते हो बहुत ही, इसके अंदर बहुत ही धार है। तो फ्रेंड, इसके अंदर पहले आपको दिखाते हैं, तो देख सकते हो इस तरह का कोई पार्टी पेपर के अंदर ऐसे ही लेता है कुछ प्लास्टिक, बहुत कलर की प्लास्टिक रहता है। सो फ्रेंड, ऐसे ही कुछ प्लास्टिक यहाँ इसके अंदर रहते हैं, तो देख सकते हो आप, देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, काट कट के यहाँ पर इसके अंदर स्टोर किया है, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो चलिए आप इसको काटेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। तो उसके लिए पहले इसको रखते हैं साइड में, बाद में हम इससे भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आप इसको काटेंगे, काटो काटो, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। बहुत ही टाइट है, पूरा पेपर से ही बना हुआ है। सो फ्रेंड, देख सकते हैं इसके अंदर भी थोड़ा है, देख सकते हो यहाँ पर दूरबीन का तारा है, देख सकते हो आप, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो चलिए इसको फेंक देते हैं, आप इसको देखते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर और भी है। सो फ्रेंड, वाव, मतलब 40 से 50 रुपए में हमें तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक मिल रहा है, देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप बाई कर सकते हो, डेफिनेटली इसको भी आप बाई कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर है हमारा मैकेनिज्म जिससे ऊपर चला जाता है अचानक से इसको घुमाने पर ही। चलिए इसको बाहर निकाल दें। सो फ्रेंड, तो हमारा चीज़ यहाँ पर है, यानी कि लगभग यहाँ पर काटने से वो आ जाएगी। चलिए इसको यहाँ से काटते हैं। सो फ्रेंड, देख सकते हो। सो फ्रेंड, तो यही है मैकेनिज्म। तो इसके अंदर का मैकेनिज्म दो होल है, यानी कि यहाँ पर पिन लगा हुआ है, दो पिन लगा हुआ है, और यहाँ पर है कुछ लोहे के तरह मैकेनिज्म, यहाँ पर देख सकते हो स्टील से ही करा गया है, पता नहीं यहाँ से रख से छूट भी सकते हैं, तो बिक्रिया क्या रहना पड़ेगा। सो फ्रेंड, तो पहले हम इसको ऐसे करेंगे। सो फ्रेंड, चलिए घुमाने के लिए इसको थोड़ा काट देते हैं, और भी काटते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या दिखने। बहुत ही रिक्स है यहाँ पर। कुछ भी निकल सकते हैं, सो फ्रेंड देख सकते हो इसके अंदर यही दो चार पिन होते हैं, अगर इस पिन को खोल देंगे तो अचानक से चला जाएगा। चलिए आप इसको इस कील की मदद से इसको खोलेंगे, आप इसको खोल दें, नहीं हुआ, चलिए दूसरा खोल दें, नहीं हुआ, तीसरा भी खोल दें, चलिए इसको भी काट देते हैं।
तो फ्रेंड तो ये हो गया है, देख सकते हो। वाह। तो फ्रेंड तो क्या होता है कि ये जो स्टिक है इसको जब हम इसको इसके साथ इसको अटैच करके रखते हैं और जब इसको हम घुमाते हैं तो इससे ये टूट जाते हैं, यानी कि ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने की वजह से ये छूट के चला जाता है, इतना जोर चला जाता है कि जिसके वजह से जीस यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो चलिए इसको हम घुमाते हैं। सो फ्रेंड देख सकते हो ये डैमेज हो गया है। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पर फिर एक मैकेनिज्म, यहाँ देख सकते हो एक लोहा दिया हुआ है, आयरन एक लोहा है, पता नहीं भाई देख सकते हो। तो इसके अंदर आप कुछ नहीं है। सो फ्रेंड देख सकते हो इसके अंदर आप कुछ नहीं है, पुक्का है, पुक्का है, यहाँ पर कुछ नहीं है। सो फ्रेंड यही होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये लगा हुआ था, लगता है यहाँ पर कुछ मसला था जिसकी वजह से यहाँ पर से ये घूमेगा और बाहर निकलेगा, इस तरह से यहाँ पर लग जाएगा। सो फ्रेंड तो यहाँ पर ऐसे लगा हुआ था, लेकिन जब हम इसको घुमाते थे तो ऐसे घुमाते थे जिसके वजह से डेफिनेटली बाहर निकलता था और ये आगे की तरफ चला जाता है, जिससे कि इन जैसे चीज़ यहाँ से निकल जाता था। सो फ्रेंड तो इसके अंदर यही रहता है कुछ मैकेनिज्म, देख सकते हो यहाँ पर एक लोहा का टीन की डब्बा की तरह है और यहाँ पर एक लोहा है, देख सकते हो लोहा के टुकड़ा यहाँ पर है और इसके अंदर रहता है इन जैसे पेपर के टुकड़े, देख सकते हो इन जैसे पेपर की नॉर्मल सा टुकड़ा रहता है, कलर की वेरी कलर यानी कि मैनी कलर यहाँ पर है, देख सकते हो। तो इन जैसे पेपर आपको मिल जाएगी एक पार्टी पेपर के अंदर और एक मैकेनिज्म जिससे ये ब्लास्ट होके इससे इसको आगे की तरफ ठेल देता था, आगे की तरफ पुश कर देता था, जिसकी वजह से इसके अंदर की जो मेटेरियल है वो डेफिनेटली बाहर निकलता था। सो फ्रेंड डेफिनेटली यही होता है इसके अंदर का मैकेनिज्म। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखने के लिए घंटे बटन को बजा देना। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी कोई अच्छा टॉपिक ले, तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।